आयुष्मान, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है रेलवे में जो है पूछता है, रेलवे के साथ साथ ने भी एयरफोर्स अब जो भी जो है रेलवे की वैकेंसी है, एसएससी की वैकेंसी है, उसमें भी पूछता है, पूछ देता है कि जैसे कोई तत्व है, मान लीजिए आर्गन, आर्गन पोटेशियम और जो है कैल्शियम, और जो देता है परमाणु क्रमांक भी दे देता है, जैसे और परमाणु भार भी दे देता है 18, 19 और 20, ठीक है, और जो इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 40 40 और ये भी 40, ठीक है, इसी तरह जो विकल्प दे देता है 4 फर्स्ट विकल्प, और जो एक और विकल्प दे देता है, जैसे मान लीजिए 1H1 1H2 1H3, चार विकल्प दे देता है, और पूछता है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है समस्थानिक है, मतलब ये या फिर पूछ देता है कि कौन सा विकल्प सही समस्थानिक के लिए सही है, कौन सा विकल्प समस्थानिक के लिए सही नहीं है, या संभालिक देकर जो है पूछ देता है, कुछ इस तरह किसी तरह घुमा कर जो है पूछ देता है। तो हम बताएंगे आप उसको, समस्थानिक किसे कहते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या है, ठीक है, क्या होती है, समान होती है, क्या होती है, समान होती है, लेकिन जो है इसके जो है भार जो है अलग अलग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु अरे सॉरी समस्थानिक कहते हैं, ठीक है, समझे बात, समस्थानिक जो है, समस्थानिक की एक विशेषता होती है, समस्थानिकों की एक मॉडर्न जो टेबल है उनमें एक ही स्थान पर रखे गए हैं, ठीक है, और सुन लीजिए समस्थानिक जो है, एक और ही जो है एग्जाम्पल सुन लीजिए, समस्थानिक जो है समस्थानिकों में जो है प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है, लेकिन जो है न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है, और जो है जैसे मान लीजिए जो है समस्थानिक जो है, एक और जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, समस्थानिकों को जो है या फिर जैसे 1H1 1H2 1H3, समस्थानिक का यही अर्थ होता है सम माने बराबर, सम माने बराबर, ठीक है, बराबर, स्थानिक स्थानिक सम माने बराबर, स्थानिक माने स्थान, इसका जो है क्या हो, स्थान जो है क्या हो, बराबर हो, देखिए नीचे बराबर है कि नहीं बराबर है, एक एक एक, लेकिन जो है ऊपर वाला क्या होता है, भिन्न होता है, तो वहां को समझ लीजिए कि क्या है, समस्थानिक है, समझ जाइए आप कितना आगे चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन का, देख लीजिए कार्बन, कार्बन का जो है छेद, कार्बन जो है 6 6 6 6 6 कार्बन 14, ये भी देखिए जो है क्या है, ये समस्थानिक है, कार्बन क्या है, समस्थानिक है, हाइड्रोजन के भी जो है क्या है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, ये क्या होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम टाइटियम टाइटेरियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है, बस समझाइए, कार्बन के जो है क्या होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14, ये जो है ना इसका जो परमाणु, ये देखिए ये जो सेम है कि नहीं, सेम नंबर, तो जो सेम नंबर आता है तो क्या कहते हैं उसे, समस्थानिक कहते हैं, बात समझाइए, और जैसे कार्बन 14 का जो है बहुत ही होता है जीवाश्म में जो है अध्ययन किया जाता है, हाँ भूगर्भ में जो है उसका कितने चट्टानों को पता करता है कि कितने जो है साल की चट्टान है पुरानी है, इसको जो है कार्बन 14 का जो है बहुत यूज किया जाता है, ठीक है, और हम चलते हैं, या तो फिर एक और परिभाषा डेफिनेशन होता है कि एक ही जो है किसी तत्व के जो है क्या है परमाणु का क्रमांक जो है सेम होते हैं, और जो परमाणु भार जो है अलग अलग होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, बहुत सिंपल सी जो भाषा में क्या कहते हैं कि किसी परमाणु जो है किसी जो तत्व के जो है परमाणु क्रमांक जो है क्या हो, सेम, ठीक है,
अब देखिए समा संभारी, संभारी क्या होता है, संभारी क्या होता है, आयुषुपार इसे बोलते हैं, आयुषुपार, आयुषुपार क्या सम इसी को जो है संभारी। जिन जो है तत्व को, जो तत्व अनेक अनेक जो है पदार्थों या तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो वे पदार्थ पदार्थ जो अनेक तत्वों से या परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संभारी कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए आप लोग को हम बताते हैं कार, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए पोटेशियम, आर्गन ले लीजिए, आर्गन की जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, परमाणु क्रमांक कितना होता है 40, और जो है कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम का भी क्या होता है 14, और जो है इसका परमाणु क्रमांक 20, ठीक है। ये क्या हो गया, क्या हो गया, इसका जो है ये नीचे वाला हिस्सा क्या है अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है, देखो ऊपर वाला क्या है सेम है, एक ही है, तो आप क्या होता है ऊपर वाला यदि देख लीजिए, यदि ऊपर वाला बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, संभारी कहेंगे, और नीचे वाला एक ही हो, एक ही अंक हो, तो उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे, सीधी सीधी बात है। नीचे वाला क्या हो अलग अलग हो तो उसे संभारी कहेंगे, नीचे और जो है और ऊपर वाला क्या हो समान हो उसे क्या कहेंगे, संभारी कहेंगे, और नीचे वाला जो है क्या हो समान हो और लेकिन ऊपर वाला क्या हो भिन्न भिन्न तो उसे क्या कहेंगे, समस्थानी। हाँ संभारिकों को जो है एक ही जो है टेबल में जो है मॉडर्न टेबल में एक ही जगह स्थान पर नहीं रखा गया, लेकिन जबकि बल्कि जो है समस्थानिकों को जो है बल्कि एक ही जो है टेबल में जो है एक ही जो है नंबर स्थान पर रखा गया है, ठीक है, बात समझ आई मेरी, तब तक के लिए बस इतना ही, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।